बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यह हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि हमें कि हमारे दरमियान हमारे बच्चों के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एसी ममता जी ममता देवी जी हैं और हमारे तहसीलदार साहब नाम है रविचंद्र हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत का मौका है कि ये हमारे दरमियान आए और राबिता सोसाइटी को विजिट करके उनकी कार्रवाइयाँ वो क्या क्या एक्टिविटीज अंजाम देते हैं उसकी जानकारी लेने में वो उनको बहुत सहूलत हुई। इधर आने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है 12 एसोसिएशन के गल्फ का और उसको BMKC कहते हैं जो खलीज काउंसिल और उसका जो मेन फील्ड वर्क करने के लिए यहाँ पर भटकल में राबिता सोसाइटी के नाम से जानी जाते हैं। पिछले 30 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है अपने खिदमत फॉर्म के लिए बरादरी के लिए और भटकल पॉपुलेशन को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन दे रहे हैं। इनकी सर्विस जो जो सर्विस दे रहे हैं तो उनको खाका उनके सामने रखा गया है और उसको देखकर वो बहुत खुश भी हुए। और उमूमन क्या होता है लोग बाहर जाते हैं अपने मुल्क को भूल जाते हैं। हम एक ऐसी फॉर्म है जो कहीं भी किसी भी कोने में रहें अपनी मट्टी को हमेशा याद रखते हैं और भटकल से हमको बहुत प्रेम है हिंदुस्तान से हमको बहुत प्रेम है। हम एक पेट्रियाटिक सिटीजन्स का एक फॉरम है ये। हम अपने मुल्क से वफादारी का अहद किए हुए हैं और हमेशा हम अपने मुल्क से वफादार रहेंगे और इस मुल्क की खिदमत करते हुए रहेंगे। इनके आने से इनका भी जो ख्याल थे हमने सुना हमें बड़ी मसरत हुई और ये हमारे काम को भी अप्रिशिएट किया उन्होंने और हम चाहते हैं कि जैसे हमारे इंसानों का अपनी कम्युनिटी भटकल में जो भी कम्युनिटीज हैं उनके साथ अच्छे से अच्छे तरीके से रहें। इससे पहले हम जो है ना कम्युनिटी गेट टुगेदर रखते थे अभी उसकी इतना अच्छा माहौल हो गया पीसफुल है भटकल अभी उसको उतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती। अगर जब भी ज़रूरत महसूस होगी हम बैठ के साथ सारे बैठ के भटकल के जो भी प्रॉब्लम्स हैं सोशल प्रॉब्लम हो एजुकेशनल प्रॉब्लम हो या हम गाँव को क्लीन एंड ग्रीन रखने का प्रॉब्लम हो हम बैठ कर डिस्कस करेंगे। ठीक तो इनके आने से हमको खुशामदीद भी कहता हूँ उनको शुक्रिया भी अदा। टोटल कितने सरेंडर दिए जा रहे हैं अभी हमारे भटकल में राबिता सोसाइटी को जो आए हैं वो 30 है और दूसरी जगह मनकी मुंडेश्वर वहाँ था और शिरू के लिए भी आए हुए हैं। वो जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो जहाँ भी हम एक कैंप रहेगा या पैंडमिक सेंटर्स रहेंगे उसको ट्रीटमेंट के लिए वहाँ अपने लोगों के लिए भटकल के लोगों के लिए उसको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हम उसको वहाँ पर सप्लाई करेंगे। उम्मीद है कि हमारे साथ बिल्कुल काम करके हमको उम्मीद की खिदमत करने का जो हम जज्बा रखते हैं इंशाल्लाह काम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। Only word from the administration is thanking the community for the great support which has been given for fighting the COVID or this second wave emergency, which is requiring in terms of oxygen concentrators. We have been received oxygen concentrators and empty oxygen cylinders for the support of whenever there is a need be in the treating emergency centers where there is a COVID treatment protocol is happening, there we will be ensuring this cylinders which will be sent because as a refilling capacity we will be having this as an additionality. So I'm really thankful to the organization which has been represented by NRBs across the globe. So through Rabita Society and its stakeholder institutions, the larger institution, Tanzeem organization, everybody, I thank on the support of giving your extended arm in fighting this COVID emergency. सब लोगों को मैं मौका लेकर धन्यवाद देने के लिए चाहती हूँ।
थैंक यू सो मच। ये नीडी पीपल को भेजा जाता है, जो भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और ये एम्प्टी सिलेंडर्स दिया हुआ है, इसको रिफिलिंग करके व्हेनेवर देयर इज अ नेसेसिटी अकॉर्डिंग टू दैट दैट विल बी अलॉटेड टू द कोविड ट्रीटमेंट हेल्थ केयर सेंटर। थैंक यू। ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅದರ ಫೋಟೋ ಫೋಟೋ ಸಾಕು ಪ್ರೆಸ್ ಬಾ ಪ್ರೆಸ್ ಬಾ ಓಕೆ।